स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मायसेल्फ आशिका साधन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंट्रोडक्शन टू पोएट्री एंड फोनेटिक्स, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड सीआरएस यूनिवर्सिटी के सभी बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो हमारी वीडियोज रही है उनमें हम लोग ने चैप्टर 9 तक का डिस्कशन हमारा कम्प्लीट कर लिया है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 10, जिसका नाम है डब्ल्यू बी ईट्स व्हेन यू आर ओल्ड। सो ये एक पोयम है आप कह सकते हो, जो इन्होंने अपनी अधूरे प्यार, एक तरफा प्यार के लिए अपने लिखा था। पोयम को डिस्कस करने से पहले हम जरा डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में जान लेते हैं एंड उसके बाद हम पोयम पे चलेंगे। ईट्स का पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स एंड ये एक आयरिश पोएट है, ड्रामेटिस्ट थे, प्रोज राइटर थे एंड इन्हें जो है 20th सेंचुरी यानी कि 1900s का जो टाइम पीरियड था उसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर माना जाता है। इंग्लिश राइटर, इंग्लिश से बिलोंग नहीं करते थे पर ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे, इस वजह से हम इन्हें इंग्लिश राइटर भी कहते हैं, ठीक है। सो ही वॉज बोर्न ऑन 13th June 1865 एट सैंडी माउंट, डबलिन, आयरलैंड एंड इनके फादर का नाम था जॉन बटलर ईट्स एंड इनकी मदर का नाम था सुजान ईट्स। जॉन बटलर ईट्स, वैसे तो इनके जो फादर थे वो एक बैरिस्टर थे, बैरिकेट थे एंड वो लॉ परस्यू कर रहे थे, बट कुछ टाइम बाद ये अपनी लाइफ में जब आगे जाते हैं तब इनका जो है पेंटिंग की तरफ हमेशा रुझान रहता है एंड अल्टीमेटली जो है ये अपना जो लॉ का करियर है उसे छोड़ के एक पोर्ट्रेट पेंटर बन जाते हैं एंड अपने पेंटिंग करियर को परस्यू करने के लिए वो अपनी फैमिली को भी छोड़ देते हैं। सो इनकी जो मदर रहती हैं, मदर की साइड से बात करते हैं तो एक बहुत ही वेल्दी मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि सिलिगो में रहती हैं एंड काफ़ी टाइम तक, यानी कि इनके फादर के जाने के बाद ईट्स जो है वो अपनी मम्मा के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही टाइम बिताते हैं, स्पेशली इनके जो मटर्नल साइड पे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके साथ। सो दो साल के थे ये, यानी कि 1867 में जो है इनकी जो फैमिली है वो लंदन शिफ्ट हो जाती है, बट होता यही है कि जो इनका बचपन रहता है एंड जो स्कूल के वेकेशन रहता है उसमें ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आते थे, अपने मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के घर आते थे, ठीक है, सिलिगो में एंड वहाँ पे वहाँ का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। एंड जब इनके फादर चले जाते हैं इन्हें छोड़ के, तब ये पूरी तरीके से सिलिगो शिफ्ट हो जाते हैं एंड वहीं पे ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वहाँ रह रहे होते हैं, अपनी मम्मी एंड उनके पेरेंट्स के साथ। एंड इसी वजह से सिलिगो के जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो सीनरी है, वहाँ का जो कंट्री साइड है, वहाँ का जो फोक लॉर है, वहाँ का जो सुपर नेचुरल लेजेंड्स है, स्पेशली आयरिश फोक लॉर जो है वो इनकी पोएट्री में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, इनकी प्रोज में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद जो है 1880 में जो है इनकी फैमिली वापस डबलिन वापस आती है एंड इसके बाद जो है ये अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं एंड ये वहाँ पे डबलिन में ही मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं 1883 में, ठीक है। एंड इसी दौरान जो है, यानी कि जो इनका स्कूलिंग का टाइम था, इसी दौरान इनकी कई सारे पोएट्स और आर्टिस्ट, जो अच्छे पोएट और आर्टिस्ट हैं, कंटेम्प्रेरी इनके पोएट और आर्टिस्ट हैं, उनसे इनकी मुलाकात होती है। इनके करियर की जब हम बात करते हैं तो 21 की एज में जो है इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने आर्ट का परस्यू करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि लिटरेरी करियर में ये इन्वॉल्व हो गए थे पूरी तरीके से। एंड इस पीरियड में जो है ये सिर्फ अपनी पोएम्स लिखते ही नहीं थे बल्कि ये विलियम ब्लेक की जो पोएट्रीज होती थी उसको एडिट भी कर रहे होते थे, ठीक है। एंड इसी के साथ ही आगे की जो इनकी लाइफ रहती है उसमें 1916 में जो है इसी दौरान इनकी जो मुलाकात होती है वो मॉड गॉन्ड से होती है एंड ये इनसे प्यार करने लगते हैं एंड ये उन्हें काफ़ी टाइम तक परस्यू करते हैं। उन्हें आप ये समझिए कि वो 52 की एज में इन्होंने शादी की, उससे पहले वो इन्हीं को परस्यू कर रहे होते थे कि मुझसे शादी कर लो। सो वो तीन बार उनको प्रपोज करते हैं एंड तीनों बार जो है वो इन्हें रिजेक्ट कर देती हैं एंड इवेंचुअली जाके ये उनकी सिस्टर को भी प्रपोज करते हैं, उनके थ्रू भी ये रिजेक्ट होते हैं एंड इवेंचुअली एट द एज ऑफ 52 यानी कि 1917 में जो है इन्होंने जॉर्जी हेडी लीज से शादी कर ली थी एंड जॉर्जी की जो एज थी वो 27 थी, ठीक है। अब एक बात जो आपको इनकी पोएट्री में बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी वो ये है कि जब तक ये गॉन से प्यार करते रहते हैं तब तक इन्होंने गॉन के लिए बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं एंड ये जो आपके कोर्स में पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड, ये भी जो पोएम है वो माना जाता है कि इन्होंने गॉन के लिए ही लिखी है, ठीक है। शादी होने से पहले ये एक और चीज़ करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी कई सारे कंटेम्प्रेरी पोएट्स और आर्टिस्ट से मुलाकात होती है, जिसमें से एक रहती है
लेडी जॉर्जी, ठीक है। सो 1816 में जो है ये लेडी जॉर्जी से हेल्प लेते हैं एंड उनका एक उनके उनकी प्रॉपर्टी में एक टावर रहता है जिसका नाम रहता है थॉर बेले, ठीक है। ये उस टावर को परचेज कर लेते हैं एंड ये वहां पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी फैमिली बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसी के बाद उन्होंने जॉर्जी से शादी भी कर ली थी। जॉर्जी हेरी ली से शादी की थी, तो याद रखिएगा। कहा जाता है कि ये इनकी जो शादी थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है एंड इनके दो बच्चे भी रहे हैं, बट इवेंचुअली ये जॉर्जी हेरी ली को भी छोड़ देते हैं एंड ये कई सारे जो है आप कह सकते हो अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं या अलग डिफरेंट लेडीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं। बट ये है कि जैसे गॉन का इफेक्ट इनकी लाइफ में रहा, वैसे जॉर्जी का भी इफेक्ट जो है वो इनकी लाइफ में रहता है, ठीक है। जॉर्जी जो है, जॉर्जी की एक आदत रहती है कि वो ऑटोमेटिक राइटिंग कर रही होती है। ऑटोमेटिक राइटिंग इज लाइक कि वो मेडिटेशन करते हुए जो उनके माइंड में आता जाता है वो लिखती जाती है एंड इस पे जो है ईट्स ने जो है अलग एक पूरा सेगमेंट बनाया था जिसमें उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को या ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए बुक भी लिखी है प्रॉपर, ओके। सो इनका पूरी लाइफ में जितनी इनकी फीमेल कैरेक्टर्स हैं सबका इन्फ्लुएंस इन पे रहा है, ठीक है। अब ये तो इनका पर्सनल लाइफ की बात हो गई, अगर हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ जानने की या इनका सोशल लाइफ जानने की कोशिश करते हैं तो ये एक एंजेलो आयरिश लैंड ओनिंग क्लास से बिलोंग करते हैं एंड इसी वजह से जब केल्टिक रिवाइवल हो रहा होता है तभी इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं एंड जो इंग्लिश कल्चर का जो डोमिनेशन हो रहा था आयरलैंड में उसके अगेंस्ट पूरी तरीके से ये खड़े रहते हैं एंड ये जो आयरिश बिहेवियर था या आप कह सकते हो आयरिश कल्चर था उसके लिए थ्रू आउट विक्टोरियन पीरियड ये अपोजिट में खड़े रहे हैं, लड़ाई की है उन्होंने एंड इसी वजह से आयरिश मिथोलॉजी एंड फोकलोर जो है वो आपको इनकी पोएम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो है आप इनकी पोएम है द सेकेंड कमिंग, आप उससे ले सकते हैं। इसके अलावा इनके लेटर ईयर्स में जो है ये इंडिया भी ट्रैवल करके आते हैं जहाँ पे इंडिया के एक गुरु से इनकी मुलाकात होती है एंड वो उन्हें उपनिषद और भगवद गीता के बारे में बताते हैं एंड इंडियन फोकलोर का भी जो एलिमेंट है वो आपको इनकी स्टोरीज में देखने को मिलेगा, ओके। सो ये तो रहा कि कल्चर इनकी लाइफ में किस तरीके से इंपॉर्टेंस रहा है या किस तरीके से इन्होंने अपने जो बेसिक कल्चर है या मिथोलॉजी है या सुपर नेचुरल पावर्स है उनको किस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है। इसके अलावा जो है इन्हें थिएटर का भी शौक रहा है, इसी वजह से लेडी जॉर्जी एंड अगस्टा के साथ मिलकर जो है इन्होंने खुद का जो है एक थिएटर भी खोला था आयरलैंड में जिसे उन्होंने नाम दिया था आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी, जिसे आगे जाके हम लोग एबी थिएटर के नाम से जानते थे एंड ये भी जो है डबलिन में सिचुएटेड है, ठीक है। सो इसके थ्रू इन्होंने आयरिश के जो फोकलोर्स थे उसको प्ले के फॉर्मेशन में डालने की कोशिश की है एंड आयरिश कल्चर को प्ले के फॉर्मेशन में एक्सपैंड करने की कोशिश की है इन्होंने एंड इस वजह से इन्होंने बहुत सारे प्रोज पोएट्रीज वर्सेस भी लिखी हैं एंड उसमें भी ये अच्छे से आयरिश कल्चर को मिथोलॉजी को स्पेशली ईस्टर्न मिथोलॉजी को इन्होंने अपनी राइटिंग्स में बहुत अच्छे से दिखाया है, ओके। सो ये थे हमारे ऑथर के बारे में, अब जरा इनके कुछ वर्क्स को देख लेते हैं। तो जो सबसे नोटेबल वर्क इनका रहा है वो आ जाता है द टार जो कि इन्होंने 1928 में पब्लिश किया था। ये पोएट्री कलेक्शन है एंड इसमें जो है कई सारी पोएट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है जैसे सेलिंग टू द बेजेंथियम, ये एक पोएम इंक्लूड हो जाती है। देन लीडा एंड द स्वान इंक्लूड हो जाती है, द वाइंडिंग स्टेयर्स एंड द अदर पोएम्स जो है इन्होंने कलेक्शन एक दूसरा कलेक्शन लिखा था जो कि 1933 में पब्लिश हुआ। इसमें जो पोएम्स इंक्लूड की गई वो आ जाती है बेंजियम, ब्लड एंड द मून। इसके अलावा इन्होंने द वाइल्ड स्वान्स एट कूल इन्होंने 1919 में पब्लिश की थी, ये भी एक बुक थी जिसमें अलग अलग पोएम्स आप कह सकते हो बुक का कलेक्शन पोएम्स का कलेक्शन था जिसमें जो कुछ फेमस बुक्स फेमस पोएम्स जो रही वो आ जाती है एंड आयरिश एयरमैन फोरसीज हिज डेथ एंड द सेकंड कमिंग, ओके। सो ये जो पोएम्स हो गए या ये जो इनका कलेक्शंस हो गया ये यूजुअली जो है मिथोलॉजी पे या सुपर नेचुरल पे बेस्ड था, बट इन्होंने नॉन फिक्शन भी लिखा है बहुत। नॉन फिक्शन में इन्होंने सबसे पहला जो लिखा था वो था विजन 1925 में। विजन ही वो बुक है जो इन्होंने अपनी वाइफ जॉर्जी हेडे ली की हेल्प से लिखी थी उनके ऑटोमेटिक राइटिंग की वजह से एंड इसमें जो है इन्होंने मिस्टिकल एंड फिलोसफिकल
आइडियाज एक्सप्लोर किए हैं, ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, ह्यूमन बिहेवियर को इन्होंने इस बुक में डिवाइड किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आयरिश फोकलोर में जो बुक्स लिखी हैं वो आ जाती है द केल्टिक ट्वाइलाइट, जिसे इन्होंने 1893 में पब्लिश किया, द आयरिश फेरीज एंड द फोक टेल्स 1892 में पब्लिश किया। इसके बाद लेडी जॉर्जी की हेल्प से या उनके साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने को ऑथर किए थे कुछ प्लेस, जिसमें से एक आ जाता है कैथलीन नी हॉलैंड। एंड इसके अलावा ड्रामेटिक वर्सेज में इन्होंने कई सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि द काउंटलेस कैथलीन, द लैंड ऑफ हार्स डिजायर, जो कि 1894 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा इन्होंने फोर प्लेस फॉर डांसर्स लिखी थी, जो कि 1921 में पब्लिश हुई। एंड इस बुक की जो सबसे ज्यादा फेमस बुक पोएम्स रही है वो आ जाते हैं द ओनली जेलस एमर एंड क्लावरी। इसके अलावा इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी शो किया था, जो इनकी बुक ऑटोबायोग्राफीज में लिखा था, ऑटोबायोग्राफीज में मेंशन था, जो कि 1926 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। सो ये इनके वर्क्स आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा इनको इनके फेमस हुए हैं। अब जरा हम बात करते हैं इनके कौन कौन से अवार्ड्स इनको या कौन कौन से कंट्रीब्यूशन के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। तो सबसे पहला इन्हें जो है कि सेनेटर ऑफ आयरिश फ्री स्टेट बनाया गया था, आयरिश का जो है, आयरलैंड का जो है, इन्हें सेनेटर बनाया गया था 1922 में। इसके अलावा जो है इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फॉर लिटरेचर 1923 में। इसके अलावा इन्होंने जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लाया था वो तो एक चीज थी ही, ठीक है। एंड इवेंचुअली जो है 28 जनवरी 1939 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। रोकबर कैप मार्टिन, ये एक फ्रांस में सिटी है, आई एम नॉट श्योर मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रेंच नेम है, बट आप स्पेलिंग पे फोकस कर सकते हैं। एंड इनका जब मतलब इनका जब टूमस्टोन बनाया जा रहा था या इनकी जो ग्रेव थी वो बनाई जा रही थी, तो एक स्कल्प्टर थे जिनका नाम था रोवन गिलस्पी, जिन्होंने इनका जो है एक स्टैचू भी बना के सिलुगो में लगाया है, सिलुगो का एक टाउन था वहां पे लगाया है 1989 में, ओके। सो ये थे हमारे ऑथर डब्ल्यू बी ईट्स। अब हम चलते हैं इनकी पोयम व्हेन यू आर ओल्ड पे। तो इस पोयम की खासियत यही है कि ये पोयम उन्होंने तब लिखी है जब जब ये मोंटगोमरी से प्यार करते थे एंड वो चाह रहे थे कि वो उनको एक्सेप्ट कर ले, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। सो आप इतना समझ सकते हैं कि ये पोयम जो है उन्होंने अनरिक्वेस्टेड यानी कि वन साइडेड लव या जो अधूरा प्यार होता है उसको मन में रखते हुए लिखी है, ओके। सो पोयम की स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टैंजा हम उस पर चलते हैं। When you are old and gray and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dreams of the soft look your eyes had once and for their shadows deep. So, एक चीज समझ लीजिए कि इस poem में जो है वो present की गौन से बात करने की या present का जो उनका lover है उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं and उसको वो कह रहे हैं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, ठीक है, when you are old, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, अभी नहीं, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी यानी कि आज से 40-50 साल बाद, जब तुम पूरी तरीके से बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल पूरी तरीके से ग्रे हो जाएंगे, तुम ओल्ड हो जाओगी। एंड बूढ़े लोग जो होते हैं यानी कि जो ओल्ड एज में लोग होते हैं वो बहुत मतलब आप कह सकते हैं एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं, उन्हें नींद बहुत आ रही होती है। यही चीज वो अपने करंट के जो उनका बिलवर्ड है पॉसिबली मिसेस गॉन उनको कह रहे हैं, मिस गॉन को कह रहे हैं कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल ग्रे कलर के हो जाएंगे, तुम्हें नींद बहुत आने लगेगी, तब तुम जो है मेरी ये बुक निकालना, मेरी ये बुक उठाना, ठीक है। एंड इसमें भी वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता रहे हैं कि तुम ग्रे हो गई हो, तुम्हारे बाल ग्रे हो गए हैं, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें नींद बहुत आती है। एंड आयरलैंड जो है वो ठंडा इलाका है, तो यूजुअली जो है सबके घर के पास फायर प्लेस होती है, तो उनका कहना है कि तुम फायर के पास बैठी हुई हो और अपना सिर हिला रही हो, यानी कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम जो हम लोग नींद में झपकियां लेते हैं ना, तुम वैसा फील कर रही हो। एंड उस टाइम पे जो है तब तुम मेरी ये बुक खोलना एंड तब तुम जो है ये पोएम पढ़ना शुरू करना, ठीक है, तब तुम मेरी पोएम्स पढ़ना शुरू करना एंड तब तुम सोचना, तब तुम मेरी ये बुक निकाल के पढ़ना। एंड ये तब की बात कर रहे हैं जब इनके जो बिलवर्ड है, पार्टनर भी नहीं है, वो बिलवर्ड है, वो उनसे प्यार करते हैं, वो बूढ़ी हो जाएंगे, उनके बाल ग्रे कलर के हो जाएंगे, उनको नींद बहुत ज्यादा आने लगेगी। एंड आयरलैंड जो है वो एक ठंडा इलाका है, ठीक है,
इस वजह से सबके घर में जो है फायर प्लेस होती है, लोग यूजली फायर प्लेस पे बैठ फायर प्लेस के पास जो है बैठते हैं। तो उनका कहना है जब तुम पूरी तरीके से बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल ग्रे हो जाएंगे, तुम्हें नींद बहुत ज्यादा आने लगेगी, एंड ये जो नॉडिंग बाय द फायर, यानी कि जब तुम नींद की वजह से तुम्हें झपके आने लगेंगे जिसमें तुम्हारा सिर जो है वो बार बार नॉड करने लगेगा, तब तुम मेरी ये बुक निकालना एंड इसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना। एंड पढ़ते वक्त तुम्हें क्या एहसास होगा, पढ़ते वक्त तुम जो है ये सपने देखना कि कैसे जब तुम यूथ में थी, जब तुम्हारा जब मैं था तुम्हारी लाइफ में, जब तुम यंग थी, तब तुम्हारी आईज जो है वो कितनी सॉफ्ट दिखती थी, तुम्हारी आईज में वो एक अलग स्पार्क दिखता था, एंड उनमें जो है एक एक डेप्थ हमें देखने को मिल जाती थी, एक प्यार हमें देखने को मिल जाता था, जो आपकी आपके अंदर एक एनर्जी होती है जो यूथ के टाइम पे आपके आईज में देखने को हमें मिल रही थी। स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट यही है कि ईज जो है वो अपने अनरिक्वेस्टेड लव, यानी कि मे बी लाइकली मीन्स पॉसिबली जो है मॉड गॉन की बात कर रहे हैं, एंड इसमें वो है अपने बिलवर्ड से कह रहे हैं कि तुम इमेजिन करो कि तुम ओल्ड हो चुकी हो एंड तुम फायर प्लेस के पास बैठी हुई हो, चीजों को याद कर रही हो, एंड उस टाइम पे तुम मेरी बुक पढ़ना स्टार्ट करना, एंड तब जो है तुम्हें एहसास होगा अपनी यूथफुल ब्यूटी एंड डीप इमोशंस का। एंड ये लाइन्स जो है वो स्पीकर की जो प्यार है, उनके जो इनर सेल्फ का प्यार है, फिजिकल अपेयरेंस को लेके जो उनका प्यार है वो दिखा रही हैं ये लाइन्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ है कि स्पीकर कहते हैं कि वो अपने पास लवर की बात कर रहे हैं या मिस गॉन की बात कर रहे हैं या अधूरे प्यार की बात कर रहे हैं, एंड इसमें वो जो है उनसे कहते हैं कि जब वो बूढ़ी हो जाएंगे, एंड ये बात आप याद रखिएगा कि वो यंग पार्टनर से कह रहे हैं, यंग बिलवर से कह रहे हैं कि तुम जब बूढ़ी हो जाओगी तब जो है तुम मेरी बुक ओपन करना, उसको रीड करना स्टार्ट करना, एंड उसमें जो है तुम्हें जो है तब तुम्हें जाके एहसास होगा कि तुम्हारी जो आईज हैं वो कितनी सॉफ्ट थी यंग होने के टाइम पे, कितने डीप इमोशंस थे अब तुम्हारी आंखों में दिखते थे, एंड सिंपल सा है कि वो प्यार का ये जो आप कह सकते हो कि जो डीप इमोशंस दिख रहे थे वो यूथ के टाइम पे दिख रहे थे, अब वो इमोशंस तुम्हारी आंखों में नहीं दिख रहे। ठीक है, एंड ऐसा इस वजह से हुआ है कि उनकी जो अब जो आंखें हैं, यानी कि बूढ़े होने पे जो आंखें हैं, वो समय की वजह से जो है, लाइफ की वजह से, लाइफ के सिचुएशन की वजह से अब जो है वो पेसिमिज्म और डिप्रेशन से भर गई हैं, जो कि पहले लव, अफेक्शन, काइंडनेस ऐसे इमोशंस के साथ, ऐसे डीप इमोशंस के साथ भरी हुई थी। ठीक है, सो ये है फर्स्ट स्टैंजा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे, एंड इसमें वो कहते हैं हाउ मेनी लव टू योर मूवमेंट्स ऑफ glad glaze and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrow of your changing face. So आगे ही वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि जब तुम अपने डीप इमोशंस के बारे में सोचोगी तब तुम ये भी सोचना या ये भी याद करना कि कितने सारे लोग थे जो तुमसे, तुम्हारी खूबसूरती के लिए तुमसे प्यार करते थे, तो जिस तरीके से तुम उनके लिए मुस्कुरा देती थी, जितने ग्रेस के साथ तुम रहती थी अपने यूथ पे, उस चीज के लिए वो तुमसे प्यार करते थे, एंड तुम्हें एहसास भी नहीं है कि वो जो प्यार करते थे वो सच्चा है या झूठा, पर जब तुम बूढ़ी हो चुकी होगी तब सिर्फ एक आदमी तुम्हारे दिमाग में आएगा जो तुमसे प्यार कर रहा होगा, तुम्हारी पिलग्रिम सोल से प्यार कर रहा होगा। पिलग्रिम यानी कि तीर्थ स्थल या तीर्थ यात्रा वाला जो हमारा होता है, तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं, या आप सिंपल टेंस में वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे होली सोल से वो प्यार करता था, तुमसे प्यार करता था, एंड तुम्हारे चेहरे जिस तरीके से चेंज होता जा रहा है, तुम्हारी जो झुर्रियां चेंज होती जा रही हैं, वो उससे प्यार करता अगर तुम उसके साथ होती। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यही है कि इस स्टैंजा में सुपरफिशियल जितने भी उनके लवर्स थे या उसके एडमायरर्स थे, उनको जो वो कह रही हैं, ऑथर कह रहे हैं कि जो तुमसे पहले प्यार करते थे, जो कि बहुत ज्यादा सुपरफिशियल थे, बहुत ज्यादा मतलब फॉल्स लव का प्रॉमिस वो करते थे, तुम्हें वो याद होंगे, एंड वो सिर्फ तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करते थे, बट तुम्हारी लाइफ में एक इंसान था जो तुमसे तुम्हारी ट्रू ब्यूटी के लिए प्यार करता था, जो तुम्हारी सोल के लिए तुमसे प्यार करता था, एंड वो तुम्हें एक्सेप्ट करता जितने भी तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी तुम्हारे फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। सो ये स्टैंजा जो है ये आपको इंड्योरिंग जेन्युइन लव का थीम एक्सप्लोर कर देता है। फ्लीटिंग और शैलो अट्रैक्शन जो होता है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को इस स्टैंजा में मिल जाएगा। ओके,
एक्सप्लेनेशन में चलते हैं तो एक्सप्लेनेशन वही रहेगा। इसमें जो है वो बिलवर्ट के जितने भी प्रीवियस लवर्स रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो उनके उन मोमेंट्स को प्यार करते थे या उन पलों में प्यार करते थे जब उनके पास बहुत वो चीज़ें बहुत खूबसूरती से कर सकती थी, बहुत ग्रेसफुली कर सकती थी, जब वो यंग थी, खूबसूरत थी। एंड इस टाइम पे जितने भी उनके लवर्स थे वो उनकी ब्यूटी से प्यार करते थे एंड इसी वजह से वो उनके फिजिकल अपेयरेंस से प्यार करते थे एंड सुपरफिशियल थे। बट एक इंसान था जो तुमसे तुम्हारी सोल के लिए प्यार करता था एंड अगर तुमने उसको हाँ बोल दी होती, अगर तुम उसके साथ होती तो वो तुम्हारी जो चेंजिंग फेजेस आ रहे हैं वो तुमसे तब भी प्यार करता, तुमसे बूढ़े होने के टाइम पे भी प्यार करता, क्योंकि वो तुमसे तुम्हारी सोल के लिए प्यार करता था, वो तुमसे प्यार करता था, वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली जो ट्रू लव होता है उस सेंस में तुमसे प्यार करता था। ओके एंड लास्ट लाइन में वो यही चीज एश्योर भी करते हैं कि अगर तुमने मेरे लिए हाँ कर दी होती या मेरे प्यार को जो है रेसिप्रोकेट किया होता तब मैं तुम्हारे जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिनकी वजह से लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम बूढ़ी हो गई और अब तुमसे कोई उतना प्यार नहीं करता, मैं तब भी तुमसे प्यार करता क्योंकि मैं तुम्हारी सोल से प्यार करता हूँ। ठीक है, सो ये था हमारा सेकेंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। थर्ड स्टैंजा है, एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बास murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. par ab kya hai, ab is stanza mein simple sa wo aage continue karte hue keh rahe hai ki ab kya ho gaya hai ki tumne mujhe mana kar diya hai to ab jo hai jab tum us fireplace ke jo golden glowing bars hai tum us pe jab jhuki hogi meri poem ko read karogi tab tumhe तुम ममर कर रही होगी यानी कि तुम फुसफुसा रही होगी अपने में ही सोच रही होगी, सैडली सोच रही होगी कि अब जो है मेरा प्यार जा चुका है। फ्लड मतलब होता है भाग जाना या उड़ जाना। ठीक है, सो अब जो प्यार है जो मैं हूँ जो इंसान तुमसे जेन्युइनली प्यार करता था अब वो इंसान जा चुका है जैसे एक माउंटेन से जो है भागते हुए वो अब हेवन यानी कि स्काई में वो छुप चुका है या बहुत सारे स्टार्स के बीच में वो छुप चुका है। ठीक है, सो इसका आप कह सकते हो ये इमेजिनरी उन्होंने यूज की है कि जो प्यार है यानी कि मैं जो हूँ अब मैं तुमसे तुम्हारी रीच से बहुत ज्यादा दूर जा चुका हूँ, जैसे माउंटेन्स के पीछे या माउंटेन से कनेक्टेड हमारा हेवन हमारे जो स्काई होता है वो होता है एंड स्काई पे जो है स्टार्स होते हैं एंड वो स्टार्स जैसे ही अनरीचेबल हो जाते हैं, वो हमसे हम चाहे जितना कर लें पर हम उन स्टार्स को पा नहीं सकते, वैसे ही जो है अब तुमने मुझे मना कर दिया एंड इसी वजह से अब मैं जो है तुमसे इतना दूर जा चुका हूँ कि तुम्हें इस बात का अफसोस हो रहा है। ठीक है, एंड ये सब फ्यूचर में चल रहा है तो उनके जो उनके बिलवर्ड का जो ओल्ड सेल्फ है वो ये तीन लाइंस रियलाइज करेगा। ओके, स्टैंजा का कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टैंजा का कंटेक्स्ट यही है कि ये स्टैंजा एक जो उनकी बिलवर्ड है उसको दिखा रहा है कि वो ओल्ड एज में है, फायर प्लेस के पास है एंड अब उन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से एक इंसान था जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था पर अब वो उन्हें छोड़ के जा चुका है, वो एक बहुत दूर जा चुका है, अनअटेनेबल हो चुका है एंड इसका सिंबल उन्होंने इस तरीके से किया है कि प्यार जो है वो अब स्टार्स के बीच में छुप गया है। ठीक है, सो इस स्टैंजा के साथ उन्होंने सेंस ऑफ रिग्रेट एंड एल्यूसिव नेचर ऑफ ट्रू लव भी पोर्ट्रे किया है। ओके, एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन सेम ही चीज है कि जो औरत है जो ओल्ड वुमेन है वो अब खुद को पिक्चर कर रही है यानी कि उनकी बिलवर्ड जो है वो खुद को पिक्चर करे एज एन ओल्ड वुमेन एंड उसमें भी वो क्या कर रही है कि वो ग्लोइंग बार्स के सामने बेंड की हुई है या फायर प्लेस के सामने बैठी हुई है, झुकी हुई है एंड वो पोएम को रीड कर रही है एंड तब उसे एहसास होता है कि एक इंसान उससे कितना ज्यादा प्यार करता था एंड अब जो है वो एक सैड टोन में जाके वो लेडी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि किस तरीके से अब जो है उनका प्यार जो है वो उनसे दूर जा चुका है क्योंकि उन्होंने उसे मना कर दिया था एंड अब वो एक अनअटेनेबल पोजिशन पे पहुंच चुका है। जैसे स्टार्स अनअटेनेबल होते हैं वैसे ही जो उनका प्यार है वो उनसे बहुत ज्यादा दूर जा चुका है एंड अब वो अनअटेनेबल हो चुका है। ये एक ब्यूटिफुल इमेजिनरी उन्होंने अपने पोएम में दिखाई है कि जिस तरह स्टार्स होते हैं उसी तरह प्यार भी जो है वो अब गायब हो चुका है एंड अब उस लेडी के पास सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो है रिग्रेट कि उन्होंने उसे खो दिया है, उनके प्यार को खो दिया है एंड उनकी ब्यूटी जो है जो अब फेड हो चुकी है एंड अब उन्हें किसी इंसान की जरूरत है एंड अब पोएट जो है वो उनके साथ नहीं है क्योंकि उन्होंने उनके प्यार को, उनका जो अनरिक्वेस्टेड लव था उन्हें
उसको कंप्लीट ही नहीं होने दिया, वो उनका अधूरा ही प्यार रह गया। एंड इस लाइन के साथ या इस स्टांजे के साथ वो अपने ओल्ड वुमन को या आप कह सकते हो अपने बिलवड को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ चीजें जो हैं, अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती हो तो ये फ्यूचर नहीं होगा, फ्यूचर ऐसा होगा जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे तब भी प्यार कर रहा हूँ, मैं जब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, जब तुम्हारे रिंकल्स आ चुके हैं, तुम थकी रहती हो, मैं तब भी प्यार करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे इनर सेल्फ से प्यार करता हूँ। एंड वो ब्यूटी जो है वो कभी भी फेड नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये थी हमारी पोयम When You Are Old। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और देखने को मिलता रहेगा। जो बुक मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो वो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसका ई बुक वर्जन चाह रहे हैं, पीडीएफ वर्जन चाह रहे हैं, अपने किसी मोबाइल डिवाइस पर पढ़ने के लिए ट्रैवल करते हुए या कहीं जाते हुए या ऐसे ही बस अपने मोबाइल डिवाइस में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप गूगल प्ले बुक से भी हमारी ये बुक परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वन।